Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel guys. I hope you all are doing well. So अभी हम निकले थे थोड़ा सा chill मारने, तो chill मार कर हम वापस आ गए हैं और वापस आकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने intro तो record ही नहीं किया था video के लिए. तो anyways हम इसको consider करेंगे अपने video का intro और आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी शाम कैसी गुजरी. बड़ा मज़ा आने वाला आप लोगों को, तो देखते रहिए. So guys, we have come to a mall after ages. I cannot even remember when was the last time we came to a mall. The Nishit, I think, छोड़ने जा रहे हैं. तो मॉल क्यों गए थे हम? जो वापसी जब Nishit के साथ नहीं गए थे वो New York State Park गए. नहीं, उसके बाद एक दिन हम यहाँ आप गए हुए. अच्छा, हम कहाँ आए हुए हैं? हम आए हुए हैं मलेशिया. मलेशिया में विद इन घर से 10 किलोमीटर्स एक मॉल है, उसके अंदर आएंगे. छोटा सा मॉल है, बस एक तो छोटा सा मॉल है, उसमें बड़ी बड़ी दुकानें हैं. किराने की एक दो दुकानें हैं उसमें और ये चिंकी मसाले मिल जाते हैं. काइंडली यूज द नेक्स्ट एंट्रेंस. ये तो छोटी छोटी सी दुकानें हैं सारी. यार हम लोग आए हैं पवेलियन मॉल, जहाँ पर मेरा ख्याल है मलेशिया में रहने के 6 सालों में मलेशिया में रहने के 6 सालों में हम लोग तीसरी दफ़ा आ जाए हैं. अच्छा जी, और हमें कुछ पता नहीं कि हमने कहाँ जाना है. यहाँ पर हम घूमे हुए हैं पवेलियन में, हमें बाहर मेन एंट्रेंस में जाना है और हमें रास्ता नहीं मिल रहा क्योंकि हम स्पेशली चाइनीज़ न्यू ईयर की कुछ डेकोरेशन देखने आए हैं बस, और हमारा कोई मकसद नहीं था जाने का. अहमद, आपका कोई और मकसद है? Yes. क्या? मतलब कि मैंने जाना है मेरे को. ये चेकआउट मारे. बहुत प्यारी डेकोर हुई हुई है. दीज फ्लावर्स, ये तो बहुत ही एडोरेबल मुझे लगे ना. ये लोग मॉल्स बहुत प्यारे सजाते हैं थ्रू आउट द ईयर. मतलब कोई ना कोई ओकेजन आता रहता है और उसके हिसाब से, फेस्टिवल्स के हिसाब से लोग सजाते रहते हैं. क्रिसमस, चाइनीज़ न्यू ईयर, नॉर्मल न्यू ईयर, ईद, दीपावली, हर ओकेजन पर. सो खैर, मैं सीढ़ियों ऊपर जाके मैंने कहा आप लोगों को ऊपर से प्रॉपर व्यू दूँ. और ये सारा डेकोर है, इट लुक्स रियली नाइस, वेरी प्रिटी. खैर, हम फाइनली फिर एग्ज़िट की तरफ पहुँच गए थे ढूंढ ढांड के. जो मेन चीज़ मैंने आप लोगों को दिखानी थी, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं और वो हमने एग्ज़िट से निकल के आप लोगों को दिखानी है. सो वेट फॉर दैट. खैर, पर एंट्रेंस से बाहर हम जब निकलते हैं तो ये आपका कोई ओप्पो वालों ने कोई प्रमोशनल बूथ टाइप बनाया हुआ है, वॉक थ्रू टाइप. और ये हम बाहर रोड पर निकल आए हैं फ्रॉम द मेन एंट्रेंस, क्योंकि हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी किया ना, तो हम फिर नीचे से बेसमेंट से ऊपर आ गए. सो एंट्रेंस से जब हम बाहर निकल रहे हैं तो ये जो रोड है और ये सारा एरिया ना, दिस इज़ कॉल्ड बुकिट बिनतांग. और अगर आपको मलेशिया स्पेसिफिकली केएल का कुछ भी पता है तो यू प्रॉब्ली हैव हर्ड अबाउट दिस प्लेस, बिकॉज बुकिट बिनतांग इज़ लाइक द हब ऑफ टूरिस्ट. यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आता है और ये पवेलियन में शॉपिंग वगैरह जो है वो सारी हाई एंड होती है. ये सामने अक्रॉस फारेनहाइट मॉल भी है और पवेलियन का सीन ये है कि यहाँ पे आपकी अरमानी, तो लुई विटॉन, तो गुची, कोच, माइकल कोर्स टाइप के, लाइक आपको सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं हाई एंड. उसके अलावा सीन ये है कि यहाँ पे बहुत लोग होते हैं क्योंकि सारी रात जो है ना वो काफ़ी ये अरबिक रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जो खुले होते हैं लेट नाइट तक और आपका लाइव म्यूज़िक चल रहा होता है ऑन द रोड और बड़ा फिट सीन होता है. बट खैर, पिछले साल से ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ पेंडेमिक की वजह से, तो इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह से कि जल्दी दोबारा सारा कुछ बहाल हो. खैर, मेन मकसद हमारे यहाँ आने का आप लोगों को ये स्क्रीन दिखानी है और वो क्यों दिखानी है वो मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ कि सीन है क्या इस स्क्रीन का. तो गाइस, जिस चीज़ के लिए हम आए थे ना वो आज हो ही नहीं रही, बिकॉज टेक्निकल इश्यूज की वजह से कोई सीन ही नहीं है. तो अब हम क्या कहते हैं, नहाते धोते रह गए, उठे मक्खी बह गए वाला सीन हो गया. तो अब मैंने सोचा है कि राइट अक्रॉस, राइट अक्रॉस हमारे फारेनहाइट है, वहाँ पे है सफोरा. अब हम जाएंगे उधर और वहाँ जाके सफोरा अगर खुला हुआ तो चक्कर मारेंगे. आई सी सफोरा. अब मुझे ये नहीं पता कि खुला है कि बंद है, बट आई सी इट. आई थिंक बंद है. किस्मत खराब है. चले यहीं से देख लेते हैं क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकते.
तो गाइज बाकी सब तो फ्लॉप सीन हो गया, तो अब हम आ गए हैं ये सब बोला के बिल्कुल सामने है अमर एक्सप्रेस। हमने कहा कुछ खापा ही कर लें, और तो मतलब यही होता है हमारे साथ, हम जब सोचते हैं निकले तो कुछ ना कुछ ज़्यादा हो जाता है सीन ऑफ, या फिर हम निकलते भी नहीं है। आज इतने बाद निकले थे और दिस हैज़ टू बी द मोस्ट बिगेस्ट फ्लॉप किस्म का व्लॉग एवर, बट एनीवेज कुछ खाते हैं और फिर घर को जाते हैं। तो सारे फेल में और कुछ हुआ या नहीं, हमारे दोस्त हम लोगों को मिल गए, लेकिन हम लोग अब एक टेबल पे भी नहीं बैठ सकते, हम लोग दो अलग अलग टेबल बैठे क्योंकि हर टेबल पे सिर्फ दो लोग अलाउड हैं। तो हेलो, वो शफक हैं और ये इन्होंने अपना नया खाने का ब्लॉग शुरू किया है, मैं नीचे लिंक दे दूँगी तो उस पर जाके आपने इनको फॉलो मारना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लेज़ी हैं, इनको हमने मोटिवेट करना है कि ये अपनी लेज़ीनेस छोड़ें और अच्छे ब्लॉगर बनें, ठीक है, थम्स अप। सो गाइस मेरा तो खाना आ गया, ये है थ्री चीज़ माना कीश और ये है मिंट लेमनेट, समथिंग सुपर डुपर रिफ्रेशिंग, एंड आई वाज इन द मूड ऑफ नो मीटी डिशेस तो इसलिए हम ये खाएंगे, ये खाएगा ये अहमद का खाना है, दिस इज कॉल्ड काफ्ता एंड चीज़, आई डोंट नो, पहली दफ़ा हम ट्राई करेंगे, और ये इसका वाटरमेलन जूस है, और ये लोग पता नहीं क्या खा रहे हैं, आप लोग क्या खा रहे हैं हला भाई? चिकन ग्रिल, ओके, चीज़ टाफ़ा, ओह ये सीन, ये पार्टी सीन चल रहा है, पार्टी चल रही है और हमने इन दोनों पे कब्जा मार लिया है और इन दोनों को हम किडनैप करके घर लेके जा रहे हैं अपने, क्योंकि बड़ी बुरी थे यार, पार्टी हो रही है, पार्टी होने लगी है और और नहीं नहीं बताओ ना, ऐसे दोस्त देखो मैं कितने बेहतर है, ऐसे दोस्तों नहीं, ऐसे दोस्तों के बाद आपको दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, अभी बताओ तुमने क्या कहा, तुम बताओ ना तुम्हारा मसला क्या था, तुमने कितना अच्छा सलूशन निकाला है। तो मेरा मसला ये था कि हाँ, मेरे पास आया नया मोबाइल ऑफिस से, हाँ गिफ्ट मिला इसको, गिफ्ट हाँ, सबको मिला है, तो गिफ्ट तो गिफ्ट ही है ना, ऑफिस ने गिफ्ट दे दिए, हाँ तो जी, तो ये एंड्रॉइड और वो iOS है, एप्पल है मतलब, तो मुझे यही स्क्रीन चाहिए थी, चाहिए है उस पर, तो मैंने इसलिए उस पर शिफ्ट नहीं किया अंटिल आई फिगर आउट कि ये विजिट्स होते हैं कि नहीं होते, हाँ तो निदा क्योंकि मेरी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, मेरी इतनी प्यारी दोस्त है, एंड आई एम सो कंसिडरेट, बिल्कुल हर चीज का हल होता है मेरे पास, ये हर चीज का हल आपको दे सकते हैं, ये पीड़नी है, तो इनने मुझे मशवरा दिया कि मैं इसका स्क्रीनशॉट लूं, हाँ, और वो वॉलपेपर लगा दूं उधर, हाँ देखो सिंपल, यू विल गेट एन एग्जैक्ट, अब मैं देखना भी नहीं चाहती, तुम देखो तुम्हें एक एग्जैक्ट सोल्यूशन बताया है, तुम्हें एग्जैक्ट ये एज इट इज विजिट्स वहां मिल जाएंगे, ठीक है ना यार, डन हो गया, ठीक है ना, डन हो गया, हो गया, मैं वही कर रही हूँ स्क्रीनशॉट ले, हाँ बस ले वो अभी मेरे सामने लो, ले लिया बस डन हो गया, और एक काम करना ना तुम, ये फोन भी तो तुम्हारे पास ही रहेगा ना, जब तुम्हें टाइम का वो करना हो कि ये जो बीच में वो है ना टाइम वाले विजिट, तो तुम बाहर से गाइस हम लोग वेट कर रहे हैं मेरे मियाँ और इनके मियाँ का, क्योंकि वो पता नहीं किधर लफंड्रियाँ मारते हुए आ रहे हैं, हम पहुंच गए हैं पहले, हम टैक्सी में पहले पहुंच गए हैं, ओह वो देखो आप लोग की किस्मत अच्छी, फायरवर्क्स वीडियो बन गई ये क्या फायरवर्क्स हो रहे हैं कि जो एक झटका, तो अब हम ऊपर आ गए हैं और जो हमारे हैं पा शफीक साहब वो बना रहे हैं चॉय शॉय, ना मैं चाय पीऊं तो ना मैं चाय बनाऊं, मैं तो जो देखो जो चीज़ हम मैं बना के दे सकती हूँ आपको, पेप्सी पीनी है तला भाई, मैं तला भाई को पेप्सी पिला सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भी पीती हूँ, लेकिन जो हम खुद नहीं करता वो हम खोचा तुमको क्या देगा, बिल्कुल। सो एनीवेज गाइस ये सख्त एक फ्लॉप किस्म का व्लॉग था, आई होप आप लोगों ने इस फ्लॉप किस्म के व्लॉग को एंजॉय किया हो, अगर नहीं भी किया तो खैर है कोई बात नहीं, फिर भी लाइक दे देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड लेट मी नो कि अगर आप लोगों को इस तरह के और फ्लॉप किस्म के व्लॉग्स चाहिए, क्योंकि मेरी जिंदगी में ना इस तरह के फ्लॉप किस्म की हरकतें बहुत होती हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू गाइस सून, क्योंकि अब हम रात में फौड़ी करने लगे हैं, मज़ा, शफक बिल्ली को प्यार कर रही है, मोज़ा।
शफक को बिल्लियां नहीं पसंद तो बड़ी बात है यार, फिर तो तलब है कि बीवी कैसे हो। बहुत हुई बोंगियां, अब हम चलते हैं और इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना ना भूलेगा। आई विल सी यू गाइस सून, लव यू। सो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली वेंट टू सी, लेकिन हमारी किस्मत में नहीं था इसको लाइव देखना। तो ये वीडियो हमने इंटरनेट पे देखी थी, उसी को मैंने अटैच कर दिया है और मैंने जहाँ से वीडियो लिया उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस कैन गो एंड चेक आउट द फुल वीडियो देयर।